खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। इस बार हमारे साथ खास मुलाकात में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद मैम। भारत जोड़ो अभियान एक शुरू हो रहा है अभी, उसकी आप इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की। और उसके पहले तो मैं शुरुआत छत्तीसगढ़ से ही करूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप इस वक्त हैं। तीजा पूरा, वो छत्तीसगढ़िया त्यौहार जो बीजेपी के राष्ट्रवाद बनाम छत्तीसगढ़ियावाद को एक नया जन्म दिया है सरकार ने, इस प्रकार के ट्रेडिशनल जो उत्सव हैं उनको किस तरह से देखें? देखिए मैं ये राष्ट्रवाद बनाम छत्तीसगढ़ियावाद मुझे थोड़ा अटपटा लग रहा है। मैं तो इसे इस तरह से कहूँगी कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सहेजने का काम, और न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि उसकी पहचान को एक राष्ट्रव्यापी पहचान बनाने का काम कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत ही बखूबी किया है। और मुझे लगता है तीजा पूरा जो छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, वो एक तो सबसे पहला मानक इस बात का है कि जो महिलाएं, जो बेटियां ब्याह दी जाती हैं उनका अपने मायके पर भी अधिकार होता है, और जिस सम्मान से, जिस स्नेह से उन्हें घर बुलाया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है, मैं समझती हूँ वो अनूठा है पूरे देश में। और मुझे लगता है भूपेश जी से और ज़्यादा अनोखा बना देते हैं क्योंकि वो सीएम हाउस को ही मायका बना देते हैं महिलाओं का। और मैं देखती हूँ कि कितनी महिलाओं में कितनी उत्सुकता रहती है, कितना उत्साह रहता है इस कार्यक्रम को मनाने का। और सीएम हाउस को मायका बनाने का मतलब ये है कि सीएम पूरे प्रदेश की महिलाओं के अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, और वो भूमिका बड़े अच्छे से निभा रहे हैं। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पर पूछें तो मुझे लगता है कि जो पूरी राजनीतिक थकावट रहती है, इतनी पूरे साल भर का जो काम रहता है, जनता के बीच में जाने की जो पूरी मुहिम रहती है, वो सारी थकावट एक दिन के रंगारंग कार्यक्रम में, जिसमें खान पान है, नाच गान है और कहीं ना कहीं बहुत स्नेह है, उससे दूर हो जाती है। मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुशी है कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी की सभी प्रवक्ताओं, महिला प्रवक्ताओं को बुलाया गया, इस बार भी बुलाया गया। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला कांग्रेस की भी थी, यहाँ से जो सांसद हैं रंजीत रंजन जी भी थी, तो बड़ा अच्छा घरेलू पारिवारिक माहौल था। छत्तीसगढ़ तो मायका हो गया आपका, जैसे आपने बताया मुख्यमंत्री जी, मैं जबलपुर की भी हूँ, मैं आ रहा हूँ उसी सवाल पे। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा छत्तीसगढ़ रहा है, जबलपुर में आपका जन्म भी हुआ है, कनेक्ट दोनों स्टेट से बराबर कर रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो रिश्ता है वो तो एक तरह से जन्मजात रिश्ता है, और वो ये भी कह सकते हैं कि वो मिट्टी पानी का रिश्ता है, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो मुझे छत्तीसगढ़ भले ही अब एक नया प्रदेश है, पर उस दृष्टि से कभी मैंने देखा ही नहीं। मेरी बुआ भी यहाँ रहती हैं, मेरे कई रिश्तेदार इधर हैं, और वो एक मुझे एक लंबा एक्सटेंशन ही लगता है। पर राजनीतिक दृष्टि से भी अगर आप कहें तो मुझे लगता है कि जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह का काम हुआ है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पर भी पड़ता है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आशान्वित हूँ कि जो अगले साल चुनाव हैं उसमें, छत्तीसगढ़ में तो खैर कोई विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं है, पर मध्य प्रदेश में हम खुद विपक्ष की भूमिका इतने अच्छे से निभा रहे हैं कि ये दोनों प्रदेश फिर से एक बार कांग्रेस के पास आएंगे। रागिनी जी, बहुत अच्छा मैंडेट मिला था पिछली बार कांग्रेस को, जब अगर मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन वो मैंडेट सरकार बनने के बाद खिसक गया, वापस बीजेपी की सरकार आ गई, क्या इस बार बेहतर परिस्थिति और मध्य प्रदेश के लिए देख रहे हैं? नहीं, देखिए मैंडेट नहीं खिसका, जनता का मैंडेट तो चुनाव में मिलता है। कुछ नेता जरूर खिसक गए, जो कांग्रेस पार्टी में लक्ष्मण कहलाते थे वो आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर विभीषण बनकर खुश हैं, तो उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, वो कम सम्मान के साथ किसी और प्रदेश में सिर्फ इसलिए कि एक कोई पद दोबारा मिल जाए जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें अब क्या कहा जा सकता है। जनता का मतादेश कांग्रेस के साथ ही था, और मुझे लगता है ये जनता देखती भी है। आप साम दाम दंड भेद से खरीद फरोख्त करके, उठा पटक करके अगर सरकार बना भी लेते हैं तो क्या जनता उससे खुश है, जनता उससे संतुष्ट है? आज शिवराज सिंह चौहान का मान अपनी ही पार्टी में कम होता जा रहा है, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया है। अब शिवराज सिंह चौहान ज्योतिरादित्य के खिलाफ हैं, ज्योतिरादित्य उनके खिलाफ हैं, नरोत्तम मिश्रा की अलग कहानी चल रही है, तो वहाँ पर खुद ही लीडरशिप क्राइसिस इतना है, वो क्या जनता नहीं देखती कि जब एक पार्टी, पहले तो जनता की इनकम्बेंसी, फिर अपनी पार्टी में इनकम्बेंसी, और जनता देखती है कि जिस नेता की इज्जत अपनी पार्टी में नहीं है वो क्या सरकार जिताने या जनता के मतादेश को दोबारा पाने के लायक है? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति किस तरह से देख रही है आप? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे जामवाल हो, डी पुरंदेश्वरी हो, अमित शाह, तो जेपी नड्डा, आरएसएस के मोहन भागवत, लगातार पड़ाव छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। मतलब साफ है डेढ़ साल पहले की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब साफ है कि डरे हुए हैं,
लग रहा है कि अब 68 सीट हैं, 78 ना हो जाएं, इसीलिए सबको डेरा जमाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है जहाँ पे अभी 5 साल भी नहीं हुए 3 प्रदेश अध्यक्ष बदलने पड़ गए, तो लीडरशिप है ही नहीं। रमन सिंह जी के खिलाफ अलग साजिश चल रही है, उनको हटाना भी चाहते हैं पर कोई नया चेहरा भी नहीं है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने इतना बेहतरीन काम किया है, पूरे देश में बेरोजगारी दर अगर सबसे कम कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है। मुझे तो हंसी आ रही थी जब मैंने सुना कि तेजस्वी सूर्या यहाँ पर बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन करने आए हैं। उनके अपने प्रदेश में बेरोजगारी दर 3.5% है जहाँ चुनाव होने वाला है, और यहाँ 1% भी नहीं है, यहाँ धरना दे रहे थे। मतलब बहुत ही हास्यास्पद है। आप शिक्षा की बात करें तो आत्मानंद स्कूल जो खुले हैं, पिछली बार जब मैं तीजापुरा तिहार पर आई थी तो मुख्यमंत्री जी हमें खुद दिखाने ले गए थे, उसमें स्मार्ट क्लासरूम्स की बात हम करें, फैकल्टी की हम बात करें, बच्चों के अंग्रेजी के प्रोनंसिएशंस की हम बात करें, लाइब्रेरी या साइंस प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जी को यहाँ आकर देखना चाहिए कि शिक्षा की व्यवस्था किस तरह से है। आप तो उन्होंने शायद 10 कॉलेज भी अंग्रेजी मीडियम खोलने का वादा किया है, बिजली यहाँ सरप्लस है, पानी सबको मिल रहा है, शिक्षा की इतनी सुविधा है। और यही नहीं, मुझे लगता है कि कल मैं अपनी बुआ के घर गई तो मेरे भूपा जी ने एक बड़ी मज़ेदार बात कही। उन्होंने कहा कि देखो ये तो है कि जो गौमूत्र खरीद रहे हैं, गोबर खरीद रहे हैं, उससे मुनाफा होना, ये सब बातें तो ठीक हैं, पर सड़क की और जगह की सफाई भी कितनी हो गई, जो हर जगह गोबर हमें पड़ा हुआ दिखता था है वो, इस तरीके से नई बात सोचना। और जैसे हमने छत्तीसगढ़िया संस्कृति की बात की, तो जब बोरेबासी इतना प्रचलित हुआ कोई बड़ा अफसर ऐसा नहीं था जो ज़मीन पर बैठकर बासी भात खाता हुआ ना दिखाई दिया हो। कृष्ण कुंज, मतलब राम वनगमन पाथ तो बन ही रहा है, उसके साथ कृष्ण कुंज भी बना है, तो मुझे लगता है कोई किसानों का कर्जा माफ़ किया तो कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है जो विपक्ष उठाए और सरकार को घेरने का काम। इसमें ये बात सामने, अमित शाह बोल रहे हैं कि सरकार बदल दो तो नक्सलवाद हम खत्म कर देंगे, कितने एग्री कर रही हैं उनके बयान से? नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अमित शाह जी ने चुनाव के बाद कहा जुमला है। अमित शाह जी तो वो एक क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, बीबीसी एनआरसी का कुछ हुआ नहीं। अब आप यहाँ जब भूपेश बघेल जी के साथ कार्यक्रम में होते हैं तो कहते हैं कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर नक्सलवाद खत्म करना है, और जैसे ही अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार बदल दो तो नक्सलवाद खत्म करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी ही बात को काट कर, अपनी ही बात की क्रेडिबिलिटी को कम करने का काम अमित शाह जी ने यहाँ पर आकर किया है। पूरा देश ये देख रहा है। अब सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो हमारे देश में सीमाओं पर प्रहार हो रहा है, अभी कल परसों ही वीडियो चल रहा था कि किस तरीके से चीन ने फिर अरुणाचल में घुसपैठ करके क्रेन्स लाकर काम करना शुरू किया है। तो गृहमंत्री का काम ये है, गृहमंत्री का काम दूसरे प्रदेशों में जाकर तथाकथित चाणक्य बनकर सरकार को डिस्टेबलाइज करना, झूठे आरोप लगाना, खरीद फरोख्त करना, ये सब नहीं होता है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये न सिर्फ सरकारों को गिराना बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र को कमजोर करना और संघीय ढांचे को कमजोर। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दी है, क्या है मैम, बड़े नेतृत्व के ऊपर हर समय सवालिया निशान लगता है, क्यों छोड़कर जा रहे हैं वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ दिया? कांग्रेस पार्टी ने भी उनको बराबर जितना 42-40 साल में जितना उनको अनुभव देना था, जितनी पर्टिकुलर जितनी चीजें उनको देनी, सब कुछ दिया, लेकिन एंड टाइम पे कांग्रेस को क्यों छोड़ते जा रहे हैं, क्या कारण? देखिए, व्यक्ति दल से बड़ा नहीं होता, जिसको ये मुखालफत है वो अपने दिमाग से निकाल दे। जो हम सब लोग काम करते हैं, हम सब लोग कांग्रेस पार्टी की छत्रछाया में काम कर रहे हैं, और इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम नेहरू गांधी की लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समावेशी विचारधारा में विश्वास करते हैं। अगर इस विचारधारा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता नहीं है, अगर आप कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए लगातार साजिश और षड्यंत्र करते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हुए जाके कहते हैं हमने सब कुछ दिया, तो ये भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या क्या दिया। मैंने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि राजनीतिक दल हमारे लिए माँ के समान है, जीवन भर पालती पोसती है माँ, अपने पैरों पर खड़े होने के लायक बनाती है, सक्षम बनाती है। आज अगर वो कमज़ोर है तो आप लांछन लगा के छुरा घोप के भाग जाएंगे, तो जनता को नहीं समझ आता है। ये भारत की जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है। और मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी या संघ हो, वो दूसरे दल से आए नेता का उपयोग करते हैं अपनी पार्टी के लिए। आप अभी भी देखिए, बहुत से नेता ऐसे दिखेंगे जो यहाँ पर बैठते थे बगल में नेतृत्व के, और अब चौथे पांचवे रो में बैठते हैं, कहीं नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो ये तो अपनी प्रतिबद्धता की बात है। राहुल जी ने कहा है कि संघर्ष के रास्ते पर चलना एक साहसी और निडर व्यक्ति का काम। भारत जोड़ो अभियान शुरू करने जा रहे हैं मैम, उसमें जगदम्बिका पाल आपके पुराने नेता, उनका ये कहना है कि राहुल जी को पहले कांग्रेस जोड़ो अभियान शुरू करना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस तो जुड़ी हुई है,
जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा की तादाद में आज भी हर गांव, हर गली, हर कूचे में कांग्रेस का और तिरंगे का झंडा लेकर लोग खड़े हुए हैं और गांधी नेहरू की विचारधारा पर प्रशस्त हैं, किसी से डर नहीं रहे। राहुल गांधी पूरे देश में इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से मंच पर यह चुनौती देकर कहा कि मैंने भारत माँ का एक पैसा नहीं लिया। संघ के और मोदी जी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही गर्व की बात है और भारत जोड़ो का जो तात्पर्य है वो मुझे लगता है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ये उन्हीं शक्तियों के साथ जाके खड़े हैं जो तोड़ो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की आज भी देश में अपना कर देश को खंडित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आर्थिक असमानता से जो लोग टूटे हैं वो आर्थिक असमानता खत्म हो, सामाजिक तौर पर जो दलित पिछड़ा वर्ग है जो छूटा हुआ है मुख्यधारा से वो साथ में जुड़े। हम चाहते हैं कि धर्म के नाम पर जो विद्वेष की और तनाव की राजनीति है वो खत्म हो और सर्वधर्म समभाव से एक बार फिर से देश जुड़े। और मुझे आप देखिएगा कि भारत जोड़ो यात्रा न भूतो न भविष्य कैसे रहेगी, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देना। रहेगी कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता करीब 3500 किलोमीटर पहले पैदल चलेंगे जो पहले कभी भी नहीं हुआ। और इसी के साथ साथ ये तमाम मुद्दे जो मैंने आपको बताए इन सभी पर जनता के बीच में जाकर जनता से बातचीत होगी, चर्चा होगी, उनकी दुखती रग पर मलहम लगाने का काम हम करेंगे, आंसू पोछने का काम करेंगे, उनके मुद्दों को मुख्यधारा में लाने का काम करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा आंदोलन साबित होगा जो देश की राजनीति की दशा और दिशा को सकारात्मक रूप से। एक आखिरी सवाल है, राम कृष्ण गोबर और गाय ये भारतीय जनता पार्टी के मूल में कहीं ना कहीं हुआ करते थे, हर चुनाव में इसका सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो राम कृष्ण गोबर गाय ये पूरा जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस सरकार कहीं ना कहीं अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इनका न राम से कोई लेना देना ना कृष्ण से कोई लेना। खुद करें तो जय जयकार, दूसरे करें तो हाहाकार, खुद करें तो आप संस्कृति के ठेकेदार और हम करें तो हमारा आप अपराध बता देंगे। मतलब आपको हिंदू धर्म का ठेकेदार बनाया किसने, कौन, किसने आपको ये सर्टिफिकेट दिया है? अगर मैं तो ये समझती हूँ कि हर हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, और सबसे ज़्यादा अधर्म फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। राम का राम, ये राम के ठेकेदार हैं तो मुंह में राम बगल में छुरी वाले लोग हैं, राम नाम के चंदा चोर हैं। तो इनसे हमें नहीं सीखना है कि संस्कृति क्या है। हमें जहाँ ज़रूरत, और हम धर्म और राजनीति को जोड़ते नहीं हैं, अगर धर्म का काम भी हो रहा है, अगर धर्म को बढ़ावा भी दिया जा रहा है तो वो जनहित के लिए दिया जा रहा है। उसी के साथ साथ मैंने छत्तीसगढ़ के विकास के बहुत सारे काम आपको गिनाए, और अपने धर्म को आगे बढ़ाना, संस्कृति को आगे बढ़ाना ये किसी तरीके का अपराध नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास मुलाकात में आपने सुना रागिनी नायक जी को, अगली बार फिर किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।